हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मम्मी बना रहे हैं बेसन की सब्जी, और मम्मी कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं भी साथ साथ सीख लूंगी, तो काफी देर तो आपको मैं पूरी रेसिपी अभी दिखाती हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मम्मी मेरा वेट कर रहे हैं किचन में काफी देर से। तो मैं जा रही हूँ किचन में, फिर मैं आपको मिलती हूँ किचन में मम्मी के साथ पूरी रेसिपी के साथ। तो चलिए किचन में चलते हैं। हेलो मम्मी, जाएंगे कैसे? तुमने बर्तन रखे हुए हैं? कई बार हो जाता है, मैं वो ध्यान नहीं देती, इसके ऊपर रख देती हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं रखना। चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मम्मी ले रही है बेसन, मैं मम्मी को दे देती हूँ कटोरी। नई कढ़ाई में डालना। तो यहाँ पे अंदाजे से मम्मी बेसन लेंगे और अंदाजे से बनाएंगे सब कुछ। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ जो जो सामान इसमें डालना है। मैं एक गड़वी पानी ले रही हूँ। यहाँ पे हम लेंगे ये हमारी जो ग्रेवी होगी ना, उसके लिए पानी है। तो जब तक ये उबल रहा है, ये वैसे साफ ही होता है मम्मी, तो जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम अपने बेसन के वो गोले गोले शुरू करते हैं, मतलब बेसन के गट्टे बनाने शुरू करते हैं। पहले मम्मी बेसन ले लिया, बेसन का आटा पाया तो हाँ पाया जितना। सो यहाँ पे मम्मी ने लिया है पाया जितना बेसन तो होना ही चाहिए। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना बनाना हो, जितने मेंबर्स के हिसाब से, मतलब जितना खाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। ये जो सूखा धनिया है, ये साबुत देना है, थोड़ा साबुत है, इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसना होता है। अच्छा लगता है, इसमें पीस देती हूँ अजवाइन डालेंगे, जीरा नहीं डाल रहे। मम्मी अजवाइन डाल रहे हैं, मम्मी अपने अंदाजे से अजवाइन डालेंगे। और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया, इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा ना पीस देती हूँ क्योंकि सूखा धनिया भी डलता है इसमें। और आपका मतलब मन करे तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप जीरा अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे हर चीज में जीरा इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डलवा रही। क्या पसंद नहीं है? जीरा। तो यहाँ पे डाल रहे हैं पीसा हुआ सूखा धनिया, और अभी मैं देती हूँ मम्मी को मोटा पीसा ऐसे। जो मुंह में आता है ना सूखा धनिया मोटा मोटा, तो अच्छा लगता है। साबुत जब मुंह में आता है वो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब कूटा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी डाल रहे हैं मसाले। मसाले नहीं डाले, हाँ नमक वगैरह, मिर्च, हल्दी डाल दी, नमक मिर्च हल्दी डाल दी, सूखा धनिया पीसा हुआ डाल दिया, अजवाइन हमने ऐसे ही डाल दिए क्रश करके। और अब डलेगा थोड़ा सा इसमें घी, रिफाइंड, इसके बिना तो वो सॉफ्ट तो नहीं होंगे। रिफाइंड डालना जरूरी होता बहुत ही। चम्मच दियो, चम्मच दे दें। तो रिफाइंड वाला ऑयल डाल रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट आटा है जो है वो अच्छे से भून जाए और गट्टे इससे सॉफ्ट बनेंगे। जो बेसन की सब्जी बना रहे हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, टेस्टी सी। इसको ऐसे पीस के इसके वो भी तो बनते हैं ना। क्या एक हमने बहुत पहले एक सब्जी बनाई थी वो उसने बनवाई थी, याद है मम्मी, हमारी पड़ोसन ने वो बेसन का कुछ बनवाया था फ्रिज में रख के, नई नई सिखाई थी उन्होंने ना। हाँ। याद नहीं है वो क्या था, बट बहुत टेस्टी था। उपमा नहीं था, हाँ, कुछ था। उन्होंने आए के थे और बहुत टेस्टी बनाई थी, एक बार सिखाई थी उन्होंने बेसन की थी वो दीदी ने। बट वो अभी याद नहीं है क्या था, ढोकला था, बट वो तो सब्जी बनी थी मम्मी उसकी पर। हाँ वो सब्जी सी बनी थी, अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। देखिए बेसन का क्या होता है खाना। तो यहाँ पे अभी इनको अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पे मम्मी ने वो घी डाल दिया था, मतलब तेल, और अब मम्मी डाल रहे हैं इसमें दही। दही दो तीन चार चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको लगे। फिर हम इसको अच्छे से आटे को गूंद लेंगे, बेसन के वो बनाएंगे घट्टे। और इसमें पानी आप अगर आपको लगे कि नहीं गूंदा तो एक दो थोड़ा सा पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, ज्यादा नहीं। पानी के बिना थोड़ा बंदा जाएगा तो भी, नहीं तो वो दही से उससे ढीला हो जाएगा। खुल चुका है अपने आप ही, सॉफ्ट बनेगा, काफी सॉफ्ट बनेगा दही से, तो और भी ज्यादा अच्छे बनते ना।
ये मम्मी दो तरीके से सब्जी बनाते हैं, एक तो बेसन के सिंपल गट्टे बनाते हैं और एक ये वाले भी हमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बट ये मम्मी ना बहुत ही कम बनाती है, बट वो वाले हम बना लेते हैं, वो भी कम ही बनते हैं वैसे, बट आज मन कर रहा था तो मम्मी को बोला था मम्मी बेसन की सब्जी खिला दो, नहीं तो कड़े ही नहीं तो बेसन की सब्जी, तो ये बन गया अच्छे से वो रसाना है। कितना देना है? अगर आपको ज्यादा चिपचिपा लग रहा है तो आप थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हाथ पे लगा के, ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा, अच्छे से ना वो हो जाएगा, ग्रीस आ जाएगी इसमें पकड़ने की। चिकना चिकना सा सॉफ्ट सॉफ्ट कर देना तभी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, और जब ये पानी उबल जाएगा ना अच्छे से, उबलते उबलते पानी में डालेंगे ये, ताकि ये ज्यादा कच्चे भी ना रहे और अच्छे से पक भी जाए। उतने में प्याज वगैरह कर दूँ क्या मम्मी? चलो बाद में करते हैं, पहले मम्मी डाल दे प्याज लहसुन, प्याज काट दे, प्याज काट देती हूँ मैं, लहसुन तो शायद देखती हूँ पड़ेगा या नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत होगा मेरे ख्याल से। लहसुन हम उस दिन लेने गए थे, मुझे ना एक्चुअली लहसुन ना लेना मोटे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो ना बहुत ही कम मिलता है, और उसके चक्कर में ना मैं दूसरा लहसुन भी नहीं लेकर आती, वो मैं लेके नहीं आती, मेरे को छिलने में ना मुझे बहुत वो होती है यार, मेरे नाखून या छिला नहीं जाता मुझसे, इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि मोटे वाला लहसुन लो, एक दो कली डालो फटाफट। ये देख सॉफ्ट सॉफ्ट करना है इसको, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया देख, ऐसे उबलते हुए पानी में डालना है इसको, ऐसे ऐसे बनाकर पानी में डाल देंगे सारे। मुझे तो टेस्टी लगते हैं बेसन की सब्जी काफी खाने में। तुम तो रुखे भी खाते हो ये? हाँ ये उबले हुए, हम उबले हुए खाते हैं रुखे, लोग तो देखे कच्चा तो निकाल लेते उबले हुए रुखे टेस्टी लगते हैं, उबल जाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। मैं ये थाली रखने की सोच रही थी, इसके ऊपर रख देंगे थाली, कैसे उबलने। सो यहाँ पे मैंने लिए 5 प्याज जिनको छील के हाथ से कट करूंगी, और अदरक लिया इतना सा, अगर कम होगा तो मम्मी से पूछ लूंगी, लहसुन तो इतना ही मिला है मुझे, नहीं लहसुन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, बट जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो प्याज छीलते हैं काटते हैं फिर मिलते हैं, तब तक हमारे बेसन के गट्टे उबल रहे हैं, तब तक उतने में उबल जाएंगे, फिर मम्मी करेगी मसाला रेडी इसका। ये देख उबल गया है, तो ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक मम्मी ने उबाले हैं, उसके बाद मम्मी कह रहे हैं कि यहाँ पे जब ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ जाएंगे दानेदार लगेंगे तो ये पक चुके हैं, ठीक है मम्मी? हाँ, तो ये इस तरह से बन चुके कि मतलब कच्चे नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर, इनको मैं मिक्सी में चॉप करूंगी, और मैंने लिए हरी मिर्चे, इनको भी मिक्सी में ही कर देंगे, और लहसुन अदरक हम उसमें कर रहे हैं, कूट रहे हैं मतलब उसको पीस रहे हैं मोटा मोटा, क्योंकि वो जब टेस्ट आता है ना मुंह में काफी अच्छा लगता है। पहले मैं इसमें कर रही थी टमाटर, फिर मैंने इसके पीसे हुए लहसुन अदरक जब डालते हैं ना तो ग्रेवी थिक बनती है ना, ग्रेवी अच्छी बनती है उससे, तो हम पीस के ही डालते हैं मतलब। चलिए जी, ये पानी ये सारी ग्रेवी हमने अलग कर दी, क्योंकि हम उसी कढ़ाई में बनाना ज्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि वो पुरानी पुरानी कढ़ाई है ना, तो मतलब काफी तो नहीं है, मतलब पुरानी कढ़ाई है ना तो हो जाता है थोड़ा, नहीं पुरानी ही है वो आपकी है ना वो? नहीं मेरे वाली मियां ही है, मम्मी की दहेज वाली थोड़ी है, वो भी 20-25 साल चलाई थी अब मम्मी ये पर पुराने बर्तन में ही सही बनता है, ये हमने नई वाली हम कह रहे थे हंसे में लेने के लिए वो वाली कढ़ाई ली थी, क्योंकि ना ये होता है कि नए बर्तनों में ना बनता नहीं है, इसलिए वो टेस्ट नहीं आता, स्टील में भी नहीं बनता, उसमें भी मतलब उसमें ही टेस्टी लगता है हमें बनाना, उसी में अच्छा लगता है ज्यादा, उसी में बनाते हैं हम तो। तो देखो यहाँ पे मम्मी ने सारे बेसन निकाल दी साइड में, और यहाँ पे सारी ग्रेवी निकाल के साइड में रख दी, टमाटर को कट करके, अदरक टमाटर नहीं अदरक नहीं हरी मिर्च और टमाटर, ये देख हरी मिर्च और टमाटर से कैसा अलग सा टेस्ट आ गया, अलग सा कलर आ गया टेस्ट। यहाँ पे हम डाल रहे हैं तेल थोड़ा सा, और ये रिफाइंड है मम्मी, लहसुन अदरक का पेस्ट, सरसों का सोच रखा था आपने, ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, और ये प्याज हो गए। अब इसको हम लगा रहे हैं तड़का,
और वो कसूरी मेथी भी तो डालनी है उसमें। अच्छा, वो बाद में बनाओगे। तो अभी हम एक और मसाला रेडी कर रहे हैं, वो है स्पेशल मसाला। तो ये रहा दही, एक दही के अंदर बेसन कम करते करते ज्यादा हो गया। कोई ना, हमने तो रात के लिए भी बनवाया ही था ना, फिर खा लेंगे। और वैसे भी रूखी भी खाई जाती है, कई बार हो जाता है रूखा भी। मैं बेसन खाऊंगी तो सही। इसमें से ये जो उबला हुआ है ना, ये हमें रूखा पसंद है। मतलब जब सब्जी में बनता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। सामान रेडी कर लो। क्या कर लिया? बस हो गया रेडी। ये वाला कर रहे थे ताला रेडी। लहसुन अदरक मम्मी ने इसमें डाल दिया, अभी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, फिर मम्मी इसमें प्याज डाल देंगे। और मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर तो अभी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे दही लिया था, दही में लाल मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। हाथ से अच्छे से हम इसे स्क्रच कर लेते हैं। तो हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। और जब हमारा ये मसाला ये अच्छे से मिक्स कर दो, बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी कसूरी मेथी की और इनकी। ओ, आराम से उड़ना नहीं चाहिए। आधा दही नहीं लेना, 3 से 4 चमचे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसे अच्छे से फैट देंगे ताकि ना सब्जी फटे ना। तो अच्छे से फैट देते हैं। लाल मिर्च नहीं डालनी आपने अब इसमें? नमक ये मसाला बना रखा है, इसमें डाला हुआ है। अच्छा, इसमें लाल मिर्च है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कम ना हो। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना, तब ये डालेंगे। ठीक है, तब हम डालेंगे बाकी का मसाला, तब ये डालेंगे। तो यहाँ पर डोली कर देगी, डोली दो कर, मेरे को बता देना कितने कितने कर देना, थोड़ा सा और पतला कट कर देना सारा सब्जी को ऐसे कुछ। तो यहाँ पे मम्मी इसमें मसाला ऐड कर रही है, हमने दलदला बनाया था, आप इसे हिलाते रहना ताकि ये ना फटे ना। ये डाल दिया तू, मैं हिलाती रहती हूँ, दो घंटे में हिला दूँगी। हाँ मम्मा, ताकि तुम भी बना सको। मम्मी कहती है व्लॉग तुम्हारे लिए बना रही, ताकि ना तुम दोनों भी देख के ना बना सको। हाँ, आगे जाके अपने ससुरालों में। ये वाला जो कर्ड का मसाला होता है ना, इससे ये होता है कि ग्रेवी हमारी थिक बनेगी वैसे, है ना मम्मी, और टेस्ट अच्छा आएगा इससे। नहीं, यहाँ पे हमारा तड़का बनके रेडी हो चुका है। और अभी मम्मी इसमें डाल देगी जो हमने ग्रेवी साइड में रखी थी, वो वाली ग्रेवी डालेंगे। बेसन उबले हुए, यही वाला पानी डालते हैं उबला हुआ, दूसरा पानी नहीं डालते हैं। हाँ ठीक है, यही बेसन का पानी डालना है। अभी कहा था कि आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग जितना भी ग्रेवी चाहिए उतना उबाल सकते हैं पानी, क्योंकि वो उबल के कम हो जाता है ना पानी, थोड़ा छोड़ दिया ना मम्मी की। अलग हो गया कढ़ाई से, टमाटर भी मसाला देख लो, प्याज लग नहीं रहे बिल्कुल भी। हाँ, कि काट के डाले हमने, मतलब वैसे तो चॉप ही कर रहे थे, चॉप कर रहे थे और अच्छे से मसाला पीसो ना, तो वो मसाला फिर ऐसे खड़ा सा पीसा हुआ बनाया, पीस के डाले हमने प्याज, और फिर दिखता भी नहीं है सब्जी में ना ऊपर आता। अब ये हमारी ग्रेवी को उबाल देंगे थोड़ा, तो अब डलेंगे उसके बाद। एक दे दो मम्मी, ले ले। लेना है? नहीं, नहीं। सोफ तो है। फाइनली हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी, अभी उबालनी होगी वैसे थोड़ी बहुत, है ना? हाँ, 5-10 मिनट। सो इस तरह से सब्जी हो चुकी है बनके रेडी, बहुत टेस्टी दिख रही है। हरा धनिया डाला? हरा धनिया, वैसे सूखी मेथी डल गई इसमें। हरा धनिया, बस आप उबाले आएंगे 2-4, 5-10 मिनट उबाल के, बस फिर हमारी सब्जी बनके रेडी है। अभी हम बनाएंगे गर्मा गर्म फुलके। यहाँ पर हो चुकी है सब्जी बनकर रेडी, बहुत अच्छी लग रही है, ग्रेवी भी काफी ज्यादा टेस्टी दिख रही है इसकी। अरे, रोटी भी बनके रेडी हो गई। तो आप बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको मम्मी के हाथ की ये सब्जी कैसी लगी, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मम्मी के हाथ की। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना खाना।